गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट टोन क्रीम के साथ मेकअप और इस क्रीम के साथ आप एक पार्टी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे जस्ट मैंने सबसे पहले आ, अपना जो वाइट टोन क्रीम है वो अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे और नेक पे भी अच्छे से वाइट टोन जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छी क्रीम है और एक बहुत अच्छा फेयरनेस हमारे स्किन पे, पे प्रोवाइड करती है और इसके बाद यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर आ, की जगह अगर आ, आप, आपके पास भी अगर प्राइमर ना हो तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकती हो मेरे पास प्राइमर है बट मैं आज एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और पूरे फेस पे आपने अच्छे से फ, आ, इसको लगा लेना है जैसे आप प्राइमर लगाते हो ऐसे आपको एलोवेरा जेल लगानी है और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया है आपके पास जो भी फाउंडेशन हो आप वो यूज़ कर सकते हो जब आप वाइट टोन क्रीम अप्लाई करते हो तो उससे आपके फेस पे बहुत अच्छा एक फेयरनेस निखार आ जाता है और जो आपका बेस है वो बहुत ही अच्छा लगता है एक नेचुरल सी लुक आपको मिलती है अपने मेकअप में तो इसलिए मैंने वाइट टोन जो क्रीम है वो अप्लाई की है यहाँ पे और फाउंडेशन आप देख सकते हो बहुत ही कम मैंने फाउंडेशन यहाँ पे अप्लाई किया है और कॉम्पैक्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट है बहुत ही लाइट वेट ये फाउंडेशन और मुझे बहुत अच्छा ये फाउंडेशन लगा आ, मैंने अभी इसको परचेज़ किया है पूरे फेस पे मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं अपना आई मेकअप शुरू करूँगी आई मेकअप शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं अपना लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ जो भी मेरी आइज़ के नीचे जो फॉल आउट हो आई मेकअप के दौरान तो वो मेरे फेस पे मेरे बेस को ख़राब ना करे तो इसलिए यहाँ पे मैं बनाना पाउडर आ, जिसको लूज पाउडर बोलते हैं वो अप्लाई कर लिया है मैंने और उसके बाद अपने आईलिड को एक कंसीलर की हेल्प से अच्छे से कंसील कर लिया है ताकि जो मेरा आई मेकअप है वो अच्छा सा यहाँ पर हो सके आई मेकअप जो होने वाला है वो तो वो बिल्कुल ही यू नो जो वाइट टोन की क्रीम है उसी से मैचिंग मैच करने वाली हूँ पिंक कलर का थोड़ा सा और यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है ताकि एक अच्छा सा बेस क्रिएट हो सके और आई शेडो पैलेट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बोर्ड की और आप हालत देख सकते हो उस वाली पैलेट की बहुत ही खराब इसकी हालत हो गई है और यहाँ पे मैं एक छोटू से ब्रश की हेल्प से ज़्यादा फ्लपी ब्रश नहीं है अगर मैं ज़्यादा फ्लपी ब्रश यूज़ करती यहाँ पे तो पूरे आईलिड पे मेरी ये वाला कलर लग जाता बट मुझे इसको क्रीज पे नहीं लेके पूरी आईलेट पे नहीं कवर करना था जस्ट क्रीज पे इसको अप्लाई करना था और आप देख रहे हो कि बिल्कुल हल्का हल्का मैं इसको ब्लैन कर रही हूँ ताकि मेरी आईलिड जो है ज़्यादा कवर ना हो सके और इसी के बाद मैं थोड़ा सा ये जो पर्पल शेड है इसको इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी इसी ब्रश की हेल्प से क्योंकि ये जो ब्रश है ये बड़ा काम का ब्रश मुझे लगा मेरे पास काफ़ी टाइम से था बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी बट आज मैंने इसको यूज़ किया मुझे बहुत ही अच्छा ब्रश लगा और यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से एक कट क्रीज़ यहाँ पे कर लूँगी आपके पास जो भी कंसीलर हो लिक्विड कंसीलर की हेल्प से ही आप कट क्रीज कीजिए अपनी और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो आई मेकअप है वो अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि मैं अभी बिगनरी हूँ अभी मैं आ, आ मुझे काफ़ी कुछ सीखना है तो इसलिए मैं अभी इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती बट कोशिश है कि अच्छे से हो जाए जहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई किया था कट क्रीज के लिए वहाँ पे हम, हम कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेंगे और वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज शेड यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप लुक है वो अच्छा सा क्रिएट हो सके मैं हर बार अलग मेकअप लुक ट्राई करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी जो स्किल है आई मेकअप भी वो अच्छे से हो सके और जो कॉर्नर था इनर कॉर्नर तो वहां पे मैं थोड़ा सा शिमरी शेड यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सिल्वर एंड गोल्ड को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लिया था और जो मेरी कट क्रीज थी उस पर ही थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ एक लाइन बिल्कुल हल्की सी यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जैसी मैंने चाही थी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं हो पाई थी बट फिर भी मैंने कोशिश की और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये मेकअप जो मेकअप लुक कैसा लगा और स्पेशली आपको आई मेकअप कैसा लगा क्योंकि मेरा बड़ा मन होता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट आई मेकअप करूं और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की जो लिक्विड आई शेडो है उसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे इसमें जब आप आई मेकअप सीखते हो तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर इस बहुत ही ज़्यादा अगर आपको अच्छा आई मेकअप करना है तो आप उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके बाद यहाँ पे मैं फेसिस कैनेडे की काजल यूज़ करी हूँ ब्लू कलर की काजल है बहुत ही पिगमेंटेड ये काजल है मुझे ये काजल बहुत ही अच्छे लगे और जिसका कलर था बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड था और दूसरी साइड इसके एक ब्रश मिल जाता है आपको अगर आपको अपना काजल स्मच करना है थोड़ा सा तो आप इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने काजल को स्मच कर सकते हो और गाइस आप देख सकते हो कि जो आई मेकअप अच्छा लगा लग रहा है वो इस काजल की वजह से कितना अच्छा लग रहा है और अब मैं अपने आईब्रोज करूँगी आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी की जेल आई लाइनर जब भी अपनी आईब्रो आप फिल करते हो तो थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको प्रोडक्ट यू you नो know, जो शेप आपको देनी है अपने आईब्रो की तो वहाँ पे एक छोटी सी लाइन आप हल्की हल्की सी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्क आपको लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको प्रोडक्ट लेना है और आप देख सकते हो कि मेरी जो आईब्रोज है वो डन हो गई है और इसके बाद यहाँ पे मैंने हाई लाइटिंग की हेल्प से अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया था और अब मैं यूज़ कर करी यहाँ पे ब्रॉन्जर कंट्रोलिंग मैंने आज नहीं की क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि आज मुझे नीड है कंट्रोलिंग की जस्ट मैं अपनी नोज़ पे जो हमेशा मैं ये पार्ट कभी स्किप नहीं करती क्योंकि जो मेरी नोज़ है वो थोड़ी सी मोटी है तो मुझे कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है नोज़ पर तो यहाँ पर मैंने कंट्रोलिंग की है हल्की सी और कंट्रोल के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोंजर भी अप्लाई किया था एक स्मॉल बर्स की हेल्प से और जो मैंने ब्रोंजर यूज़ किया था वो सुअर कॉस्मेटिक का ब्रोंजर था बहुत ही अच्छा ये ब्रोंजर है और इसके बाद मैं ब्लश यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से बिल्कुल नेचुरल सा मैंने यहाँ पे कलर पिक किया है क्योंकि जो मेरी ड्रेस है वो लाइट पिंक कलर की है बेबी पिंक कलर तो मैं नहीं चाहती थी कि आई मेकअप जो मेरा डार्क हो गया था और जो मेरे लिप के कलर है लिपस्टिक का कलर है वो भी थोड़ा सा डार्क ही हो जाएगा तो इसलिए मैं अपना जो ब्लश है वो नेचुरल रखना चाहती थी क्योंकि जो ओवरऑल जो हमारा मेकअप था अगर वो सारा पिंक पिंक हो जाता तो अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर मैंने हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया है शुगर कॉस्मेटिक का ही हाईलाइटर मैंने यूज़ किया है और अब मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ आज जब मैं मेकअप करने बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी आई मेकअप को लेकर तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई थी मुझे आई पहले लगाना था बट वो मैंने बाद में लगाया मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने आई लगाया और जो आई था वो स्टेकूकी का आई था और ये आई लिक्विड आई है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये वाला आई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जो इसकी पिगमेंटेशन थी पता नहीं कैसी थी अजीब सी तरह ये चल रहा था आईलाइनर और बस इसके बाद मैंने अपना जो एन का सेटिंग स्प्रे है वो पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर लिया है ताकि जो मेरा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे अगर आपको लगता है कि आपने सेटिंग स्प्रे ज़्यादा स्प्रे कर लिया तो एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप पूरे फेस पे इसको डैप डेप कर लीजिए और यहाँ पे मैं लिप लाइनर जो अप्लाई करी वो वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर है और जो मैं लिपस्टिक यहाँ पे यूज़ करी वो भी वेट एंड वाइल्ड की ही लिपस्टिक है बहुत ही प्यारा कलर मुझे इसका लगा बेबी पिंक कलर कुछ था इसका अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और ये मेरी है फाइनल लुक इसके बाद मैं अपने आई अप्लाई कर लूँगी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा और ये फाइनल लुक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाय बाय टेक केयर